अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड सेवैयाँ। दूध मेरा गरम हो रहा है, ये है सवा लीटर दूध है। दूध गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी रंगीन सेवैयाँ। अब जब तक ये गल नहीं जाती मैं इसको अच्छी तरह चलाती रहूँगी। दूध हमारा अच्छी तरह गरम हो चुका है और सेवैयाँ भी, इसमें जो मैंने रंगीन सेवैयाँ डाली हैं वो भी गल चुकी हैं। अब इसमें करेंगे हम चीनी ऐड। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक करिएगा, जितनी आपको पसंद हो, क्योंकि इसमें चीनी मैंने कम डाली है, क्योंकि मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। दूध भी हमारा अच्छी तरह पक चुका है, सेवैयाँ भी गल चुकी हैं, मीठा मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड पाउडर, जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जितना आपको गाढ़ा पसंद हो। तीन से चार मिनट इसको पकाना है। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बस इसको दो से तीन मिनट और पकाऊंगी मैं और इसको रख दूंगी मैं ठंडा करने के लिए। अभी हमारा कस्टर्ड सेवैयाँ ठंडी हो चुकी हैं। इसमें अब ऐड करेंगे हम जेली। रेड जेली अच्छी तरह चलाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जितना ठंडा होगा और जितना ये कस्टर्ड सेवैयाँ ठंडी होंगी उतना मज़ा देगा आपको। अच्छी तरह चलाएं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार कस्टर्ड सेवैयाँ तैयार हैं। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं बेल आइकन बटन दबा दीजिए और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। जब तक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।